subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज आपको मिलाते हैं फ्रॉग से। आज इसके बारे में हम लोग जानकारियां हासिल करेंगे। फ्रॉग जो है वो एक्वेटिक एनिमल है और ये एम्फीवियन में आता है। एनिमेलिया किंगडम के अंदर, कॉर्डाटा के अंदर एम्फीवियंस में आता है फ्रॉग। यानी कि ये वाटर पे और ज़मीन पे दोनों जगह पे ये रहता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये हमारे फूड चेन में, इन्वायरमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये फूड चेन का, फूड वेब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो क्यूट। इसका जो बॉडी है वो दो पार्ट, हेड और एब्डोमेन में बटा होता है। आगे वाले पैर को फोरलिम्स, पीछे वाले पैर को हिंडलिम्स कहते हैं। और ये इसका जो टीथ है वो होमोडेंट होता है, माने सारे टीथ जो है एक जैसे होते हैं। ये अपनी आँख से चारों तरफ देख सकता है। इसका फीचर्स होता है, इसका आई जो है वो हेड के ऊपर सिचुएटेड होता है। इसका जो मुख्य भोजन है वो इंसेक्ट है। देखिए इसका फिगर। इसकी अनेक प्रजातियां जो है पृथ्वी पे पाया जाता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक प्रजातियां इसके पाए जाते हैं। ये टोड है, वाटर में जो मिलता है उसको जो बायोलॉजिकल नाम है राना टिग्रीना है। और ये लैंड पे पाया जाता है, जो भी फिगर देख रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं फ्रॉग की, काफ़ी खूबसूरत है ये। फ्रॉग जो है कार्निवोरस एनिमल है, ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी जगहों में पाया जाता है। नॉर्मली ये अंडे देते हैं, ले एक्स एनिमल है वाटर में। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग का जो स्किन होता है, ये टोड का जो स्किन होता है काफ़ी ड्राई होता है, लेकिन जो वाटर में होते हैं उसका स्किन थोड़ा मॉइस्ट होता है। देखिए इसका स्किन काफ़ी ड्राई लग रहा है। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं। इसका स्किन पॉइजनस हो सकता है। जनरली फ्रॉग जो है नॉक्टर्नल होता है और कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी भी ये शो करता है। इसका जो स्किन वेव, देखिए वेव कितना तैरने में इसको मदद करता है वाटर के अंदर। वो आसानी से वाटर में भी तैर सकता है। रिस्पिरेशन स्किन, यानी स्किन के द्वारा भी हो सकता है और लंग्स के द्वारा भी हो सकता है, गिल्स इसमें नहीं होते हैं। स्किन जो है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने और वाटर एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। दीज आर द फीचर्स थे कुछ फ्रॉग। फ्रॉग जो है हमारे इन्वायरमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, तो इसको हमको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसे कंजर्व करने की ज़रूरत है, इसे कोई ना मारे और इसको सुरक्षा प्रदान करे। इट हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन फूड चेन। इट प्रोवाइड वेरी इफिशियंट ट्रांसफर ऑफ सोलर एनर्जी। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू कंट्रोल इंसेक्ट एंड इट इज शुड ऑल्सो कंज्यूम बाय द अदर एनिमल्स एज ए फूड। दूसरे जानवरों का ये आहार भी बनता है, इंसेक्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये ट्रांसफ़र ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है, फूड एनर्जी है, उसको ट्रांसफ़र करने में फूड चेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो सेव द फ्रॉग, सेव द नेचर। राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।